रामलला के दरबार में इस बार चैत्र नवरात्र पर खास तैयारी है। आज से शुरू हुई शक्ति की उपासना पूरे 9 दिनों तक विधि विधान से की जाएगी। यही नहीं, 17 अप्रैल को राम मंदिर में राम जन्मोत्सव का भव्यता के साथ उसे पर्व को मनाया जाएगा। हो भी क्यों ना, 500 सालों के बाद रामलला भव्य महल में राम जन्मोत्सव मनाने जा रहे हैं। ऐसे में इस बार रामनवमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे से सूर्य की किरणें रामलला का सूर्य तिलक करेंगी। ये रामनवमी बेहद खास है क्योंकि 495 साल बाद ये पहली रामनवमी है जब अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जन्मोत्सव हो रहा है। इसको लेकर अवध में तैयारियां तेज हो गई है। अयोध्या में इस बार की रामनवमी बेहद खास और ऐतिहासिक होने जा रही है, जिसको लेकर अब राम मंदिर ट्रस्ट ने भी तैयारियां तेज कर दी है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो रही है, वहीं 17 अप्रैल को रामनवमी और दुर्गा नवमी मनाई जाएगी। राम मंदिर में पहली रामनवमी का खास आकर्षण रामलला का सूर्य तिलक होगा। रामनवमी के दिन दोपहर में ठीक 12 बजे सूर्य की किरणें रामलला के मस्तक पर पड़ेंगी, जिससे उनका सूर्य तिलक होगा। विश्वास है कि 17 तारीख अप्रैल रामनवमी के शुभ अवसर पर 12 बजे भगवान के मस्तक पर सूर्य तिलक लगेगा। लगभग कितने समय तक वो सूर्य वहाँ पर मौजूद होगा, किरणें मौजूद होगी? 2-2.5 मिनट तक अच्छे रूप से और 5 मिनट तक थोड़ा फेड स्वरूप में कुल मिलाकर रहेंगे। राम जन्मोत्सव के दिन रामलला के मुख पर सूर्य की किरणें करीब 4 मिनट तक रहेंगी। ये गोलाकार सूर्य तिलक 75 मिलीमीटर का होगा। फिलहाल वैज्ञानिक रामलला का सूर्य तिलक करने की तैयारी में जुटे हैं। इसके लिए राम मंदिर में उपकरण लगाए जा रहे हैं, जिसका ट्रायल भी शुरू किया जा चुका है। जब वे मंदिर बन रहा था तो निर्णय हुआ था कि रामनवमी के दिन भगवान के जन्म दिन के ऊपर सूर्य तिलक भगवान को जन्म के दिन समय होना चाहिए, दोपहर में 12 बजे। तो उसके लिए जो उपकरण हैं जिनके माध्यम से सूर्य का प्रतिबिंब भगवान के मस्तिष्क पर पड़ेगा 4 मिनट के लिए 12 बजे, उसकी तैयारी हो रही है और उसकी फिटिंग हो रही है। चैत्र नवरात्रि की शुरुआत हो गई है। पूरे देश में धूमधाम के साथ चैत्र नवरात्रि का पर्व भी मनाया जा रहा है। वहीं प्रभु राम की नगरी अयोध्या में रामलला के दरबार में भी चैत्र रामनवमी के पहले दिन चांदी की चौकी पर कलश की स्थापना की गई। इतना ही नहीं, चैत्र रामनवमी के 9 दिनों तक प्रभु राम के दरबार में समस्त देवी देवताओं की पूजा आराधना की जाएगी, दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाएगा और प्रभु राम को 56 व्यंजनों का भोग लगाया जाएगा। चैत्र नवरात्रि में रामनवमी भी मनाई जाएगी। इस बार की रामनवमी अद्भुत और अलौकिक होगी।